Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulam-e-Abbas School. Today we are here with another SLO from our chapter number 12, Geometrical Optics. आज इस वीडियो लेक्चर में हम अपना SLO नंबर 1252 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की मदद से एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के बाद हम किस तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं, और साथ साथ उस इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम सीखेंगे कि किस तरह से जो है वो किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसकी जो इमेज है वो किस पोजीशन पर फॉर्म होती है। इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम जो बेसिक रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन करने के वो सीख लेते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो रूल है, लेट सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है, ये कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ कर दिया, साथ साथ हमारे पास ये पोल आ गया और ये जो लाइन है वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, और यहाँ ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट एफ, तो हमने प्रिंसिपल फोकस मार्क कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया। साथ साथ एक और चीज़ हम यहाँ मार्क कर दें कि जितना ओ से लेकर एफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। सेम डिस्टेंस अगर हम एफ से और अवे देखें, सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2f, ओ से लेकर एफ तक का डिस्टेंस और एफ से लेकर 2f तक का डिस्टेंस ये जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे होंगे तो हम इस डिस्टेंस को इक्वल लेकर जो है वो अपनी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। साथ साथ जो है वो यहाँ पर भी हमारे पास जो पॉइंट आ गया, दिस इज 2f। सो सबसे पहला रूल हमारे पास क्या है कि इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इंसिडेंट रे है। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो तो लेंस से पास होने के बाद वो बेंड हो जाएगी, हमें पता है कि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है लेंस से पास होने के बाद। तो जब ये इंसिडेंट रे बेंड होगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये हमारा रूल नंबर वन है, दिस इज रूल नंबर वन। रूल नंबर वन याद रखेंगे कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसे, प्रिंसिपल एक्सिस से, सो लेंस से पास होने के बाद इट विल पास थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस। इसी तरह से अगर लेट सपोज इंसिडेंट रे इस साइड से आ रही होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू दिस प्रिंसिपल फोकस, तो दिस वॉज रूल नंबर वन। अब आ जाते हैं रूल नंबर टू पर। रूल नंबर टू वी हैव इज इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। पहले रूल में क्या था कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी एंड रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इसी का वाइस वर्सा रूल है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ इंसिडेंट रे पैरेलल थी तो रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास हो गई, यहाँ पर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास रूल नंबर टू हो गया। देन वी हैव रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री ये कहता है कि इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन द ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, डायरेक्ट स्ट्राइक करती है ऑप्टिकल सेंटर पर, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या होगा, वो विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी। दिस इज आर रूल नंबर थ्री। तो ये तीन रूल्स हैं, इन तीन रूल्स की बेसिस पे जो है वो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली आवर सेकंड रूल इज इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड रूल नंबर थ्री ये है कि इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करिए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी। तो ये इन तीन रूल्स की मदद से जो है हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और इन तीन रूल्स में हम जो है वो कोई भी दो रूल्स जो है वो अप्लाई करेंगे और उन दो रूल्स को अप्लाई करने के बाद जो है वो हम अपनी इमेज फॉर्मेशन करेंगे। एक और चीज़ हम यहाँ सीखते चलते हैं साथ साथ, दैट इज रियल एंड वर्चुअल इमेज। हमारे पास जो नेचर है इमेज का वो दो टाइप का होता है, वन इज रियल टाइप ऑफ इमेज एंड द अदर वन इज वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ हमारे पास लेंस मौजूद है।
अगर इस एंड पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है और जो हमारी इमेज है वो लेंस के दूसरी साइड पे फॉर्म हो, यहां हमारे पास ऑब्जेक्ट था, लेंस के दूसरी साइड पे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो ऐसी इमेज को हम क्या कहते हैं, इट इज रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, इट्स मीन अगर ऑब्जेक्ट को यूं प्लेस किया है तो लेंस के दूसरी साइड पे हमें ऑब्जेक्ट यूं इन्वर्टेड हुआ हुआ नजर आएगा, इस तरह की इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। साथ साथ अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस एंड पे प्लेस करूं तो इमेज उसकी दूसरे एंड पे फॉर्म होगी, ऐसी इमेज जो है वो रियल इमेज कहलाती है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारे पास लेंस मौजूद है, यहाँ मैंने जो है वो अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। सो ऑब्जेक्ट मेरे पास लेंस के एक एंड पर मौजूद है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम एंड पर फॉर्म हो रही हो, जिस एंड पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है उसी एंड पे अगर इमेज भी फॉर्म हो रही है तो ऐसी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। साथ साथ अगर इस एंड पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हो और इमेज भी उसी एंड पे फॉर्म हो रही है तो वो वर्चुअल इमेज कहलाएगी। जिस तरह मैंने कहा कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, अगर ऑब्जेक्ट को यूं प्लेस किया है तो उसकी इमेज यूं उल्टी बनी हुई नजर आएगी, इस तरह की इमेज को इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। सो रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती है। इरेक्टेड का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को यूं प्लेस किया है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज भी यूं ही नजर आएगी, इस तरह की इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने केस नंबर वन पर। लेट सपोज ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस मौजूद है, ये हमारे पास पोल हो गया, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आ गया और साथ साथ ये हमारे पास फोकस एंड टू टाइम्स फोकस। तो ये हमने पॉइंट्स मार्क कर दिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। और फर्स्ट केस में हमने सपोज किया कि आर ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस लेंस से बहुत दूर जो है वो इन्फिनिटी पर मौजूद है। तो इन्फिनिटी से हमने जो है वो कुछ पैरेलल रेज ड्रॉ कर दी, तो ये वो इंसिडेंट रेज हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कि इन्फिनिटी पे लाई कर रहा है और दोनों रेज जो है वो पैरेलल है, इट्स मीन कि हमारे जो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों मीट करेंगी, दे विल मीट एट प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारे पास एक इमेज फॉर्मेशन आ गई जिसमें हमने कहा कि आर ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, इन्फिनिटी पर। अगर हम इमेज की पोजीशन देखें सो आर पोजीशन ऑफ इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे मौजूद होगा तो उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इट विल फॉर्म एट प्रिंसिपल फोकस। साथ साथ अगर हम साइज को देखें तो इमेज का जो साइज है यहाँ पर वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होता है। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब है कि इमेज इतनी छोटी होगी कि वो इमेज हमें नज़र नहीं आएगी। और साथ साथ हम नेचर की बात करें सो नेचर ऑफ दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इस इमेज का जो नेचर है वो क्या है, रियल इन्वर्टेड। सो दिस वॉज आर केस वन जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी मार्क कर दिए। अब चलते हैं केस नंबर टू पर। सो ये हमारे पास आ जाएगा केस टू जिसमें हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया और यह हमारे पास आ गया हमारा लेंस, ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और हमने फोकस और टू टाइम्स फोकस 2F मार्क कर दिया इस डायग्राम पे। जब ये केसेस ड्रॉ कर रहे होंगे सब अपने पास तो इस पोजीशंस का ख्याल रखना है कि ऑप्टिकल सेंटर से दोनों साइड पर जो F तक का डिस्टेंस है बराबर होगा, F से लेके 2F तक का जो डिस्टेंस है दोनों एंड पे वो बराबर होगा। सो ये जो चारों डिस्टेंस हैं ये चारों डिस्टेंसेज आपस में बराबर होने चाहिए। सो आर केस नंबर टू इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F, अगर ऑब्जेक्ट को हम 2F के पीछे की तरफ रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, किस तरह की फॉर्म होगी वो हम यहां पे देखते हैं। सो फॉर आर सिंपलिसिटी हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो एक एरो का यूज कर लेते हैं। लेट सपोज दिस इज आर ऑब्जेक्ट,
ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया और इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इन तीन रूल्स में से कोई भी दो रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। सो हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि इफ इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। सो इंसिडेंट रे मैंने ड्रॉ कर दी, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, और जब ये बेंड होगी इस लेंस से पास होने के बाद तो इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये इंसिडेंट रे का एरो ड्रॉ कर दिया मैंने, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। केस नंबर वन अप्लाई, रूल नंबर वन अप्लाई किया, देन हमारी मर्जी है रूल नंबर टू या रूल नंबर थ्री में से कोई भी रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं सेकेंड रूल अप्लाई कर देता हूँ, इफ द इंसिडेंट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने देखा कि दो रूल्स अप्लाई किए हमने, तो दो इंसिडेंट रेज हैं और दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। सो हम इमेज फॉर्म करेंगे, और इमेज फॉर्म कैसे कर रही हैं, हम जिस तरह से एरो हमने ड्रॉ किया था फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस टू अ सर्टेन हाइट, तो यहाँ पर भी जब हम इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ होगी उस पॉइंट तक जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज आपस में मीट कर रही हैं। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक इमेज ड्रॉ कर दी। सो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास इमेज आ गई। अब इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखें। सो ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट वॉज बियॉन्ड 2F, एंड इमेज की पोजीशन अगर हम देखें डायग्राम में तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म बिटवीन F एंड 2F। जब भी ऑब्जेक्ट को हम 2F के पीछे रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, F और 2F के बीच में। और F और 2F के बीच में का मतलब ये नहीं कि सेंटर में फॉर्म होगी, बट F और 2F इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पर भी फॉर्म हो सकती है। सो दी आर इमेज इज बिटवीन F एंड 2F। इसके बाद अगर हम साइज को देखें इस इमेज के, सो ऑब्जेक्ट की साइज नजर आ रही होगी सबको, ऑन दिस इज द साइज ऑफ इमेज। तो जब भी इमेज F और 2F के बीच में बनती है तो इस डायग्राम से भी नजर आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट ज्यादा है जबकि इमेज की हाइट जो है वो कम आ रही है। सो द साइज ऑफ आर इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म होगी वो छोटी होगी अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड दी 2F। सो लास्ट थिंग इज नेचर। नेचर जैसे मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को इस एंड पे प्लेस किया, इमेज उसकी दूसरे एंड पे फॉर्म हो रही है, दिस टाइप ऑफ इमेज इज नोन एज रियल। एंड वन मोर थिंग कि हमारी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड इमेज। एंड वी नो दैट वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड नहीं होती, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड, जबकि रियल इमेज जो है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। सो आर नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो इमेज है हमारी, जो नेचर है इमेज का, वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जो है केस नंबर 3। ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, दिस इज आर पोल एंड दिस इज आर कॉन्वेक्स लेंस। हमने साथ साथ जो है यहाँ पर F और 2F पॉइंट्स मार्क कर दिए, और हमें पता है कि ये पॉइंट्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेंगे। सो दिस इज आर F एंड 2F। तो अब हम जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं। फर्स्ट केस में हमने इन्फिनिटी पे प्लेस किया था, सेकेंड केस में हमने 2F के पीछे प्लेस किया था। अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर आ जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब वो लाई करेगा एट 2F। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा 2F पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। तो सेम मेथड को यूज करते हुए हम कोई भी दो रूल्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, जिसमें फर्स्ट रूल हमारे पास था व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल हो गई, हमें बताया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू आवर प्रिंसिपल फोकस। तो ये रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई। सेकेंड रूल हम अप्लाई करते हैं जिसमें इंसिडेंट रे जो है वो
प्रिंसिपल फोकस से पास होती है और प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तो हम इसको रिफ्रैक्टेड रे को पैरेलल कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल हो गई। सब अपनी कॉपीज़ के अंदर जब ये ड्रॉ करेंगे तो इस मेजरमेंट्स को लेके स्केल पेंसिल्स को यूज़ करके बनाएंगे तो वो बिल्कुल उसी तरह से फॉर्म होगी जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ मेंशन किए हैं। तो अगर हम अपनी रिफ्रैक्टेड रेज को देखें, दीज टू आर इंसिडेंट रेज एंड दीज टू रेज आर रिफ्रैक्टेड रेज। दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जहाँ मीट करती हैं वो पॉइंट होता है इमेज की पोजिशन का। सो आर इमेज इज फॉर्म एट दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट पे जहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, तो इमेज जहाँ रिफ्रैक्टेड रेज मीट कर रही हैं, इमेज फॉर्म करने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हमारे पास एरो बना देंगे, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यहाँ पर फॉर्म हो गई। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क करें, ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया था एट टू एफ। अगर हम इमेज की पोजीशन देखें, सो आर इमेज इज फॉर्म एट टू एफ। हमने ऑब्जेक्ट को जब टू एफ पे प्लेस किया है तो उसकी जो इमेज है वो भी हमेशा कहाँ बनेगी, टू एफ के ऊपर बनेगी। साथ साथ अगर हम साइज को देखें, सो आर साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर है। और लास्ट में अगर हम नेचर देखें तो जैसे इमेज नज़र आ रही होगी सबको कि दिस टाइप ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया एट टू एफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने केस नंबर फोर पर, जिसमें हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, हमने पोल ड्रॉ कर दिया, देन वी हैव आर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ एंड दिस इज टू एफ। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब लेकर आ जाएंगे, और करीब लाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट लाए करेगा बिटवीन एफ एंड टू एफ। हमने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया बिटवीन एफ एंड टू एफ, तो ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इन तीन में से कोई भी दो रूल्स अप्लाई करेंगे, सो हम अपनी मर्जी से कोई भी दो रूल्स अप्लाई कर देते हैं। सो आवर फर्स्ट रूल इज व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैंने पहले इंसिडेंट रे बनाई और ये हो गई उसकी रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड रूल हमारा क्या था कि इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। हमारी मर्जी है सेकंड रूल अप्लाई करें, थर्ड रूल अप्लाई करें, इन तीन में से कोई भी दो रूल्स अप्लाई करके हमें ये काम परफॉर्म करना है। सो हम सेकंड के बजाय इस केस में थर्ड रूल अप्लाई कर देते हैं। जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करे तो वो स्ट्रेट पास हो जाती है। तो हम ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ स्ट्राइक कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे। जब ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक कर रही है तो हम इसको एज इट इज स्ट्रेट पास करा देते हैं। जब ये रेज मीट नहीं कर रही है तो हमने इनको एक्सटेंड कर दिया और एक्सटेंड करने के बाद ये पॉइंट, दोनों रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वहाँ इमेज की पोजीशन होती है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंसिपल एक्सिस से स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट तक ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास इस केस में इमेज फॉर्म हो गई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम नोट करें, सो आर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड टू एफ, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ। हमने ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बीच में प्लेस किया था और हमारी जो इमेज फॉर्म हुई है वो टू एफ के पीछे फॉर्म हो रही है, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड टू एफ। अगर हम साइज को देखें, साइज जैसे कि नजर आ रहा होगा, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द साइज ऑफ इमेज। इट्स मीन हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है इट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। और अगर हम नेचर की बात करें, सो नेचर जैसे नजर आ रही है डायग्राम में, ऑब्जेक्ट को यूं प्लेस किया था हमने और उसकी इमेज इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है। सो आर नेचर ऑफ दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
तो ये था हमारा केस नंबर 4 जिसमें ऑब्जेक्ट को 2F 2F के बीच में प्लेस किया और उसकी जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो बियॉन्ड 2F फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने केस नंबर 5 की तरफ। सो वी हैव केस नंबर 5, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ हो गया, ये पोल आ गया हमारे पास, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर एंड देन वी हैव द पॉइंट्स F एंड 2F। तो ये मेरे पास जो है वो डायग्राम ड्रॉ हो गई। अब हमें ऑब्जेक्ट को लेंस के और करीब लेके जाना है। लास्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो F और 2F के बीच में था, इस ऑब्जेक्ट को और आगे लेकर जाएंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अप्लाई करेगा एट पॉइंट F। सो हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया जो कि कहाँ लाए कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस पे लाए कर रहा है। इसके ऊपर हम जो है वो अपने वही 2-3 रूल्स में से कोई भी 2 रूल्स अप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रूल इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। इंसिडेंट रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई रिफ्रैक्टेड रे। सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं या थर्ड रूल अप्लाई करें। सो इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, वो स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में जो है वो पास हो जाएगी। तो ये हमारे पास रे डायग्राम फॉर्म हो गई उस ऑब्जेक्ट के लिए जब उसे प्लेस किया जाए प्रिंसिपल फोकस के ऊपर। इन तमाम केसेस के अंदर अगर हम देखें तो तमाम रिफ्रैक्टेड रेज यहाँ मीट कर रही थी, यहाँ 2 रिफ्रैक्टेड रेज F पे मीट किए हैं, यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज 2F पे मीट कर रही हैं, यहाँ रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो बियॉन्ड 2F मीट कर रही हैं। यहाँ अगर हम देखें तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल हैं और जब रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल हो तो वो कभी भी मीट नहीं करती। सो मैथमेटिकली वी कैन से दैट दीज 2 पैरेलल लाइंस विल मीट एट इन्फिनिटी। सो आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, इमेज हमारे पास फॉर्म हुई है एट इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी हमने वर्चुअली लिखा है या हमने मैथमेटिकली लिखा है, हमने देखा यहाँ पे कि रिफ्रैक्टेड रेज आपस में पैरेलल हो गई हैं और अगर हम इसको एक्सटेंड भी करें तब भी ये आपस में मीट नहीं करेंगी। सो हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि दीज रेज विल मीट एट इन्फिनिटी एंड दी पोजिशन ऑफ दैट इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। अगर हम साइज की बात करें सो ये जो मीटिंग पॉइंट है वो लेंस से जितना दूर होगा हमारा जो इमेज का साइज है वो उतना बड़ा होता जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो इमेज का साइज छोटा था बिकॉज ये जो पॉइंट है वो लेंस के करीब है। अगर ये मीटिंग पॉइंट लेंस से ज़्यादा दूर हो जाता है तो हमारा जो इमेज का साइज है वो उतना बढ़ जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही हैं और इन्फिनिटी जो है वो उस लेंस से बहुत ज़्यादा दूर है। So our size of the image will be extremely large. यहां पर भी हमने देखा था कि साइज ऑफ द इमेज जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट था और यहां भी हमने कहा है कि इट इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये इतना लार्ज इमेज बना है कि हमें नजर आ रहा होगा बट यहां जो इमेज फॉर्म हुई है वो हमें नजर नहीं आ रही बिकॉज इट इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो उस सेंस में हमने कहा है कि इट विल बी एक्सट्रीमली लार्ज कि हमें वो नजर ही नहीं आएगी। साथ साथ हम नेचर मेंशन कर दें, सो आर नेचर ऑफ दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था हमारा केस नंबर 5। अब हम अपने लास्ट केस की तरफ चलते हैं और लास्ट केस में हम हमारे ऑब्जेक्ट को जो है वो उस लेंस के और ज्यादा करीब लेकर जाएंगे। सो वी हैव दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, यहां हमने जो है वो लेंस ड्रॉ कर दिया, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर और यहाँ हमने जो है वो हमारे F और 2F मार्क कर दिए स्केल से मेजर करके। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लास्ट केस में F के ऊपर था, अब हम F से और ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो जब हम F से और ज़्यादा आगे लेकर गए तो ये हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट।
एफ से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने प्लेस किया है। उन तीन रूल्स में से किसी भी दो रूल्स को अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट रूल इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया, इंसिडेंट रे पैरेलल थी और रिफ्रैक्टेड रे फोकस से पास हो गई। सेकेंड और थर्ड में से कोई रूल अप्लाई करें, सो आर सेकेंड रूल इज इंसिडेंट रे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इंसिडेंट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो मैंने ऑप्टिकल सेंटर से उसको एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन स्ट्रेट पास कर दिया। जब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को देखें तो ये दोनों मीट नहीं कर रही, जिस तरह से यहाँ हमने देखा था कि रेज मीट नहीं कर रही। बट इन दो रिफ्रैक्टेड रेज और इन दो रिफ्रैक्टेड रेज में क्या फ़र्क है कि दीज रेज आर डाइवर्जिंग, अनलाइक इन दिस केस जिसमें दोनों रेज पैरेलल थी। अगर हम इन रेज को एक्सटेंड करें तब भी ये मीट नहीं करती। सो इस केस के अंदर जब हम इमेज फॉर्म कर रहे होंगे तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को बिहाइंड द ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। सो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, दोनों रेज को स्ट्रेट लाइन में इनको एक्सटेंड कर देंगे, और एक्सटेंड करने से इस पॉइंट पे वो एक्सटेंड होने वाली लाइंस मीट कर रही हैं। सो इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से जो है वो इमेज फॉर्म हो रही है, हम प्रिंसिपल एक्सिस से उस पॉइंट तक अपनी इमेज को फॉर्म कर देंगे। तो ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट था एंड दिस इज आर इमेज। अभी तक जो हमने तमाम केसेस किए थे उन केसेस के अंदर इस तरह की इमेज फॉर्म नहीं हो रही थी। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो इस तरह से प्लेस किया हुआ है और उसकी इमेज भी इसी तरह से फॉर्म हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो लास्ट केस के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, इट इज इमेज इज फॉर्म ऑफ नेचर वर्चुअल इमेज। सो कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क कर देते हैं हम इस केस के अंदर। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया बिटवीन एफ प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इमेज की जो हमारी पोजीशन थी, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो इमेज के लिए हम लिख देते हैं इट इज बिहाइंड ऑब्जेक्ट। साथ साथ अगर हम साइज को देखें तो साइज ऑफ द इमेज, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का साइज था, ये इमेज का साइज है, क्लियरली नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो साइज है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। और अगर हम नेचर देखें, नेचर में मैंने बताया था कि अगर इरेक्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो कौन सी इमेज होती है, वो इट इज वर्चुअल इमेज। तो लास्ट केस के अंदर जो हमारे पास जो नेचर बनता है इमेज का, इट इज वर्चुअल इमेज। ये थे हमारे डिफरेंट केसेस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस किया और इस तरह से इमेज फॉर्मेशन करके दिखाए बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और जिसमें हमने जो रूल पढ़े थे स्टार्टिंग में, उन रूल्स को उन तीन रूल्स में से किसी भी दो रूल्स को अप्लाई करके हम इस तरह से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस किया हुआ हो, हमें उन तीन रूल्स में से कोई भी दो रूल्स को अप्लाई करना है। और कुछ स्पेसिफिक केसेस थे जो कि हमने यहाँ पर किए, जिसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के साइज को देखें, स्मॉलर इमेज भी बनी, इक्वल इमेज भी फॉर्म हुई और लार्जर इमेज भी बनी। इन केसेस में हमने देखा कि रियल इमेज भी फॉर्म हुई है जो कि इन्वर्टेड थी और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म हुई है जो कि इरेक्टेड है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद अनदर टॉपिक फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। टिल देन दिस इज मोहम्मद अली राणा टेकिंग ऑफ फ्रॉम दिस क्लास। अल्लाह हाफिज़।